पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रात के 12 बजते ही शहर में हर तरफ मैरी क्रिसमस की गूंज सुनाई देने लगी। रोशनी से सराबोर शहर के प्रमुख चर्चों में ईसाई समाज के लोग पहुंचते दिखाई दिए। मसीही समाज के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। चर्चों में आयोजित विशेष मिडनाइट सर्विस में फादर ने क्रिसमस का संदेश दिया। सारी दुनिया में अमन चैन की कामना की। कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर भी चर्चों में प्रार्थना की गई। कोविड नियमों का पालन करने की नसीहत दी गई। प्रार्थना के बाद समाज के लोगों ने कैंप फायर की परंपरा में शिरकत की। कैरल्स की धुन पर युवाओं ने नृत्य के माध्यम से क्रिसमस के जश्न को बयां किया। क्रिसमस के उल्लास का ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि हर घर से लेकर गिरजाघर और गली मोहल्लों और मिशनरीज और पार्कर हॉस्टल कंपाउंड में लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हुए नजर आए। क्रिसमस के पर्व पर प्रार्थना के साथ ही यीशु के जन्म को पूरे जश्न के साथ मनाया गया। थाना सिविल लाइन टीम मिलकर जो भी अनावश्यक रूप से संदिग्ध चौराहों पे या उस पे खड़े उन्हें पूछताछ करके हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत। और सभी को मैरी मैरी क्रिसमस और खुशियां बांटिए, आप खुशियां मनाइए। थैंक यू। देखिए, ये अभी रात्रि कर्फ्यू बताया गया है उसके बारे में, और देखिए जैसी गाइडलाइंस आएंगी आगे उसका अनुसार कार्य किया जाएगा। होमियो की टीम हमारे साथ जिले की और मेरे सिविल लाइन थाने की दोनों साथ घूम के, आज 25 दिसंबर है, मैरी क्रिसमस डे है, जो कि अधिकतर भीड़ होने के कारण लोगों को समझाया जा रहा है कि कोविड 19 का ध्यान रखते हुए, दूरी बनाते हुए आप अपना प्रोग्राम इंजॉय करिए। और सड़कों पे जो भीड़ जमा हो रही है उसको हटाई जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों पे ध्यान दिया जा रहा है, लड़कियों को जागरूक किया जा रहा है किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, जिससे हम लोग सतर्कता से ड्यूटी पे मौजूद और ड्यूटी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम आशी ब्रायन है और मैं फिलिप्स मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में यूथ प्रेसिडेंट हूँ, और ये शारन संजय हैं, ये यहाँ पे यूथ सेक्रेटरी हैं। हम लोग जवानों के बीच में काम करते हैं। और आज के दिन, जैसे आप सब लोग जानते हैं, आज क्रिसमस है, 25 दिसंबर है, आज हम सब बड़ा दिन मना रहे हैं। और आज के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम क्रिसमस के दिन को बहुत ही स्पेशल मानते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था, जिनकी वजह से हम आज सब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी जान दी, जिस वजह से हम यहाँ पे सब जिंदा हैं, तो बस इसीलिए आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। मायसेल्फ शारन संजय और मैं इस चर्च की यूथ सेक्रेटरी हूँ। हम लोग युवाओं के बीच में काम करते हैं। आज जैसे कि आप सभी को पता है, आज क्रिसमस है, और आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। आज के दिन हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक ही फेस्टिवल है पूरे साल में, और ये सिर्फ क्रिसमस केक्स और ट्रीज से ही रिलेटेड नहीं है, ये और भी बहुत कुछ है, और उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जीसस से रिलेटेड है, जिनका आज बर्थ हुआ था। कोरोना, आप जैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना कितना अब बढ़ रहा है, वापस से चीज़ आ रही है, तो हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, हमें सारा ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट हम सब लोग मास्क लगा के बैठ रहे हैं, एंड उसी तरीके से आप सबको ये सब ध्यान देना चाहिए कि आगे हमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आज क्रिसमस डे है और बड़े उत्साहपूर्वक क्रिसमस को मनाया जा रहा है, और पिछले एक माह से हम तैयारियों में थे, और पहली तारीख से ही हमारे चर्च के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से होने पाए। और इस बीच हमने कैरल सिंगिंग भी की और चर्च में काफ़ी एक्टिविटीज़ रहीं, कंटाटा भी हमारे चर्च में होने पाया, एक सिंगिंग कंपटीशन भी होने पाया, और सब चीज़ों में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से होने पाए। और आज क्रिसमस डे पर हम अपने सभी शहरवासियों को, सभी लोगों को, अपने चर्च की तरफ से, सभी पासवानों की तरफ से हम लोग क्रिसमस की शुभकामनाएँ देते हैं,
और दुआ करते हैं कि हमारा शहर, हमारे लोग सब प्रभु के नाम में सुरक्षित रहने पाए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।